हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंक ओटीपी नॉट रिसीव्ड इन फ़ोन पे। फ़ोन पे में अगर आपको बैंक का ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको कौन सा ऐसे सेटिंग करने हैं, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सिंपल सी मोबाइल में ही दो तीन सेटिंग कर लेनी है, जिसके बाद जो ओटीपी अभी तक रिसीव नहीं हो रहा था वो ईज़िली रिसीव होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है ऊपर। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद देखिए सेकंड पे ऑप्शन है मैनेज ऐप्स। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है नेटवर्क। नेटवर्क सर्च करने के बाद अब यहाँ पर आपको इसका क्लियर कैक कर देना है। सबसे एंड में ऑप्शन था, ठीक है। क्लियर कैक करने के बाद अब यहाँ से आप बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद अब यहाँ पर आपको फ़ोन सर्च करना है, ठीक है। फ़ोन एंड मैसेजिंग स्टोरेज में जाने के बाद देखिए एंड में ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है क्लियर कैक का, तो यहाँ से आपको फिर से इसका भी क्लियर कैक कर देना है, फिर बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट में सिम टूलकिट सर्च करना है। सिम टूलकिट में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए एंड में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लियर डेटा, तो यहाँ आपको इसका क्लियर डेटा कर देना है। ये क्लियर ऑल डेटा जो है यही कर देना है आपको। ये करने के बाद अब यहाँ से आप बैक चले जाइए और सेटिंग्स के होम पेज पे रुकना है आपको, ठीक है। अब स्क्रॉल अप करिए। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है देखिए फोर्थ नंबर पे कनेक्शन एंड शेयरिंग, इस पर क्लिक करने के बाद एंड तक स्क्रॉल डाउन करना है। फिर देखिए लास्ट में यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ, तो यहाँ पर आपको यहीं से क्लिक करने के बाद सबसे एंड में ऑप्शन है रीसेट सेटिंग्स, तो यहाँ आपको अपने नेटवर्क की सेटिंग्स जो हैं उसको रीसेट कर देना है। इसको रीसेट करने के बाद जो ओटीपी बैंक का आपको अभी तक रिसीव नहीं हो रहा था वो इजीली अब आपको रिसीव होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, जैसे कि जो प्रॉब्लम था बैंक ओटीपी नॉट रिसीव्ड इन फ़ोन पे, तो यहाँ वो अब सॉल्व हो चुका है और अब ये ओटीपी आपको रिसीव होने लगेगा। फ्यूचर में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं फिर से, एंड देन आपको ओटीपी रिसीव होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करने और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।